सारा सामान जो है देख सकते हैं हमारा पैक है और जिया और मम्मी सभी बाहर निकले हुए हैं। बाय बाबू बाय। अपने एक साथ के क्रिएटर हैं ब्यूटी जी, उनके यहाँ हम लोग चलेंगे। हम लोग का एनिवर्सरी है आज, तो कहीं की एनिवर्सरी का जो है केक वहीं पर कटेगा आपका। तो हम लोग पहुँच गए हैं जी बक्सर और ब्यूटी जी आ गई है। मिठाई खा रहे हैं, उधर भैया हमारे। तो हमारा केक जी यहाँ पर तैयार है और देख सकते हैं जी सभी लोग यहाँ पर सेलिब्रेशन के लिए आ गए। यहाँ पर केक तैयार है और क्रियांश केक काटना है क्या तुमको? और बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड था, मतलब हम लोग एक तरह से समझिए जा रहे हैं सड़क पर, बीचों बीच हमारा एनिवर्सरी बन गया बीच रास्ते। तो अभी बज रहे हैं जी सुबह के 4 और देख सकते हैं जी हम हो गए हैं तैयार। हाँ जी, आज जो है हम लोग फाइनली निकल रहे हैं दिल्ली से और अच्छा खासा समय यहाँ पर हमने बिता लिया। आए थे लगभग हम लोग 6-7 दिन के लिए और कुछ ऐसा काम ही हो गया कि हम लोगों का जो स्टे है थोड़ा सा लंबा हो गया। यहाँ पर जब स्टे लंबा हुआ तो बहुत ही अच्छे से एंजॉय किया और काफी अच्छा लगा अपने परिवार के साथ। सारा सामान जो है देख सकते हैं हमारा पैक है और जिया और मम्मी सभी बाहर निकले हुए हैं, तो जल्दी से सामान लेते हैं और चलते हैं। हाँ बाय बाबू बाय। प्रियांश इतना ज्यादा खुश है जाने के लिए, इसे क्या पता कि बुआ को छोड़ के जा रहे हैं, भाई को छोड़ के जा रहे हैं, इसको लग रहा है घूमने बस जा रहे हैं। दिल्ली से हम लोग निकल चुके हैं जी और लगभग 3.25 घंटे का जो है यात्रा हम लोगों का हो चुका है और अब यहाँ से लगभग 4-4.25 घंटा का जो यात्रा है वह बचा हुआ है। और क्रियांश जो है सोया हुआ था, 1.5 घंटा के करीब सोया, फिर उठ गया है और इसको लेकर के आ गए हैं बाहर थोड़ा घुमाने के लिए। और बाहर आते ही जो है थोड़ा सा इसका मूड फ्रेश हो गया है, अब इसको लेकर के चलते हैं गाड़ी के अंदर और फिर इस सफर को कंटिन्यू करते हैं। जी हाँ, ले लो इसको। ओए होए होए होए, ये जाना नहीं चाहता। हम लोग बीच रास्ते में रुक गए हैं और क्रियांश यहाँ पर आराम से घूम रहा है और हम लोग का इधर लग गया है चाय और खाना कुछ ही देर में आने वाला है। मुझे लग गई थी बहुत ही तेज भूख, उसे किसी को यहाँ भूख नहीं लगी है, भूख सिर्फ मुझे ही लगी है, लेकिन कहा कि अपने बहाने ही सभी को खिला भी दे क्योंकि लखनऊ पहुँचते पहुँचते 12 बज जाएगा, अच्छा रहेगा कि पेट में कुछ रहेगा खाना। तो भोजन पानी तो हो गया जी, उसके बाद सभी लोग गाड़ी में बैठ गए हैं और मौसम भी बड़ा बेहतरीन हो रखा है। गर्मी बहुत थी लेकिन अभी जो बारिश हो रही है, बारिश की वजह से जो है गर्मी से थोड़ी राहत मिल गई है। तो ज्यादा देरी नहीं करते हूँ, निकलते हैं अपने सफर पर और सभी लोग बैठे हुए अंदर, ठीक है चलते हैं। तो बीच रास्ते में देख सकते हैं कितनी तेज वाली बारिश हो रही है और क्रियांश जो है हमारी गोदी में बैठा हुआ है, दादी की गोदी से मेरी गोदी में आ गया और इसको चाहिए फोन। और यहाँ तो प्रेशर बहुत कम है, तुम रिकॉर्ड करता थोड़ा भूल गई, पीछे और भी ज्यादा प्रेशर था, बहुत आवाज गाना का भी नहीं आ रहा था अंदर के स्पीकर, कितना तेज बारिश हो रही है, जबकि मतलब शीशे सब बंद है फिर भी। बिल्कुल, तो हम जिस तरह के मौसम की बात कर रहे थे कि वो रिकॉर्ड नहीं हुआ, वैसा ही ठीक मौसम जो है यहाँ पर आ गया। ये देखिए कितना, नेक्स्ट डे। तो फिलहाल हम लोग जी पहुंच गए हैं बक्सर से 4 किलोमीटर पहले। जी हाँ, कल हम लोग पहुंच गए थे लखनऊ और हमने जो है कुछ भी कल सूट नहीं किया था, इतनी ज्यादा गर्मी थी वहाँ पर कि सभी लोग परेशान थे, सोचे थे कि एक दिन जो है वहीं पर स्टे कर लेंगे, लेकिन जो है गर्मी देख करके जो है हम लोग वहाँ से निकल लिए कि चलो अब सीधा कटिहार चलो, वहीं पर अपना स्टे किया जाएगा। और इधर क्रियांश जो है अभी कुछ देर सोया है, कुछ देर का अच्छा खासा देर सोया है और इसका नींद अपना पूरा हो गया, तो हरकत में है देख सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ से हम लोग चल रहे हैं जी बक्सर और बक्सर में जो है हम लोग अपने एक साथ के क्रिएटर हैं ब्यूटी जी, तो उनके यहाँ हम लोग चलेंगे और उनके रेस्टोरेंट में आया जाए। हम लोग का एनिवर्सरी है आज, तो कहीं की एनिवर्सरी का जो है केक वहीं पर कटेगा आपका, चलते हैं वहाँ पर देखते हैं क्या होता है। तो हम लोग जहाँ पर रुके हुए हैं जिस पुल पर देख सकते हैं बगल में है गंगा नदी और क्या बेहतरीन सा नजारा है, क्रियांश भी लगता है खूब एकदम एंजॉय कर रहा है यह नजारा। तो अब चले चले क्रियांश, हाँ बहुत लोग है यहाँ पर शूट कर रहे हैं गाड़ी सब खड़ा करके जो की सेफ नहीं है, तो हम लोग चलते हैं। 2 hours later. तो हम लोग पहुंच गए हैं जी बक्सर और ब्यूटी जी आ गई हैं और उधर भैया जी भी हैं, हम लोग सीधा यहां से निकलते हैं। तो हम लोग आ गए हैं जी ब्यूटी जी के रेस्टोरेंट के अंदर और देख सकते हैं
इतना अच्छा इंटीरियर है। हम लोगों का ऐसा कुछ प्लान था नहीं, क्या था कि हम लोग बक्सर से निकल रहे थे तो जिया जो है आपको फोन लगा दी। हाँ, अचानक से हम लोगों का जो है यहाँ पर आना हो गया और हम लोग और रेस्टोरेंट में हम लोग जो इस फटे हाल में आ गए हैं। अच्छा पता नहीं लगा बाद में, ये साइड में जब ये लोग आए थे हम तो इधर को जा रहे पटना के लिए, इधर जाने जा रहे तो हमारे रूट में ही पड़ गया। आप दोनों लोग ही हैं, हम नहीं सुने। अच्छा पता नहीं, तो मम्मी पापा हैं और क्रियांश जो है यहाँ पर अपना घूम रहा है और इनके भैया भी मिल गए हैं इनको। हाँ तो हम लोगों को कुछ शूट करना था और गजब सा एक ठग लाइफ का मोमेंट मिला हम लोगों को। अच्छा सभी का फिलहाल यहाँ पर चल रहा है जी चाय, और जिया कैसा लगा चाय? हमें भी बहुत मजा आया एकदम, ऐसा लग रहा है पूरा दूध से भरा। पीते नहीं हो तब भी तो पी लिए, चाय बहुत सुंदर है, कुछ मिले ना मिले चाय मिलनी चाहिए। अच्छा तो सबसे पहले मम्मी मुंह मीठा कर रही हैं, कैसा लगा मम्मी मिठाई? अच्छा। और यहाँ पे भी हम लोगों का है, मोदी जी उधर अपना मिठाई खा रहे हैं, जी है उधर, उधर भैया है हमारे, और इधर छुटकी जो है अपना रील्स, उधर देखिए उधर। तो हमारा केक जी यहाँ पर तैयार है और देख सकते हैं जी सभी लोग यहाँ पर सेलिब्रेशन के लिए आ गए, और बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड था। मतलब हम लोग एक तरह से समझिए जा रहे हैं सड़क पर, बीचों बीच हमारा एनिवर्सरी बन गया बीच रास्ते। तो ऐसा ही कुछ है हमारा सेलिब्रेशन, और इतना जबरदस्त सरप्राइज देने के लिए थैंक यू इनका, थैंक यू भैया का। तो बहुत ही अच्छा सरप्राइज था जी, बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था यार। मॉर्निंग में कोई नहीं करता, ये भी फर्स्ट टाइम ही हुआ है, या तो मिडनाइट में होता या नाइट में होता है। यहाँ पर केक तैयार है और क्रियांश केक काटना है क्या तुमको? चाकू हाथ में लिया हुआ है, क्रियांश काटेगा ये देख रहा, पहले ही काट लेगा ये। तो केक काटने का तो सेरेमनी हो गया जी, और अच्छे से केक कटिंग हो गया। हम लोगों ने सोचा नहीं था कि आज हम लोग जो है अपना एनिवर्सरी सेलिब्रेट करेंगे, जो लखनऊ से हमारे घर का रास्ता है लगभग 12 से 13 घंटे का रास्ता है। तो हम लोग सोचे थे कि कटिहार जाएंगे अगले दिन सेलिब्रेशन करेंगे, लेकिन बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था कि आज के दिन भी हमारा सेलिब्रेशन हो जाएगा, वह भी बीच एक रास्ते में हो जाएगा हमारा सेलिब्रेशन। और यह सब क्या कहे, जबरदस्त सरप्राइज दिया है ड्यूटी जी और उनके हस्बैंड ने। हाँ हाँ, इतना सब कुछ यहाँ प्लानिंग है।